नया ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद सड़कों पर कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर न सिर्फ धड़ल्ले से चालान काटे जा रहे हैं बल्कि भारी भरकम जुर्माना भी वसूला जा रहा है। लेकिन नोएडा में वाहन चेकिंग को लेकर पुलिस की सख्ती ने एक युवक की जान ले ली, जिससे कानून के रखवालों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। घटना रविवार की है, जब सेक्टर 62 स्थित चौराहे पर नोएडा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी सॉफ्टवेयर मार्केटिंग का काम करने वाले गौरव NS24 की तरफ से कार से अपने माता पिता के साथ घर जा रहे थे। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने कार में डंडा मारकर रोका तो गौरव ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद काफी देर तक पुलिस और गौरव के बीच नोकझोंक हुई। बहस के दौरान गौरव को हार्ट अटैक आया और वो जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें फौरन फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें कैलाश हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यही गौरव को रोका गया और गौरव को रोकने के बाद पुलिस, नोएडा ट्रैफिक पुलिस और नोएडा पुलिस के कुछ जवानों ने उनसे बदतमीजी की और बदतमीजी ऐसी की कि उसमें जीरा हुआ, नोकझोंक हुआ और नोकझोंक होने के बाद गौरव को अचानक ब्लड प्रेशर शूट कर गया, जिससे उनको हार्ट अटैक हुआ। कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ इस बात को समझ पाता कि आखिर हुआ क्या है। उनके पिता गाड़ी में मौजूद थे, तुरंत यहाँ से उनको यही बगल में फोर्टिस हॉस्पिटल स्थित है वहाँ ले जाया गया। उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया, फिर उन्हें कैलाश हॉस्पिटल जो सेक्टर 27 में स्थित है वहाँ ले जाया गया और वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जी मीडिया की टीम नोएडा के सेक्टर 52 में शताब्दी अपार्टमेंट के उसी फ्लैट नंबर E59C में पहुंची, जहां गौरव रहते थे। गौरव के घर का सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि इस घर का चश्मो चिराग बुझ चुका है। गौरव अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए। परिवार में उनकी पत्नी और 4 साल की बेटी के साथ साथ उनके छोटे भाई भी हैं। घर की दीवार पर लगी ये तस्वीर उनके भाई की शादी की है, जिसमें ब्लैक ड्रेस में नजर आ रहे हैं गौरव। बेहद शांत स्वभाव के गौरव सबके चहेते थे, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। लेकिन पुलिस के साथ नोकझोंक में उनके साथ जो कुछ हुआ, उससे न सिर्फ पूरा परिवार बल्कि हर कोई हैरान है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये घटना हुई, उस वक्त पुलिसकर्मी मदद करने की बजाय वहां से चुपचाप चलते बने। अगर पुलिस ने थोड़ी सी इंसानियत दिखाई होती तो शायद गौरव आज जिंदा होते। उधर इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अच्छा, ये ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि नोएडा पुलिस और नोएडा ट्रैफिक पुलिस की नींद खुल सके, उन्हें ये बात जानकारी मिल सके कि आखिर किस तरीके के हादसे पेश आ रहे हैं, कैसे पुलिस अपनी लापरवाही का नतीजा पेश कर रहा है, किस तरीके से वो बता रहा है कि वो कितना लापरवाह है लोगों के इंसानी जीवन को लेकर। ये जरूरी है कि नियमों का पालन होना चाहिए, थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, लेकिन ऐसी सख्ती नहीं कि किसी की जान पर बनाए। हालांकि इस दिल दहला देने वाली घटना से नोएडा पुलिस की कारिस्तानी एक बार फिर उजागर हुई है। नोएडा से आसिफ इकबाल, जी मीडिया।